हाँ भाई भैया जी कहीं ना हाँ। क्या बात है, कहाँ से अपनी? तो हमने कल आपको देखा था वहाँ आजमगढ़ में। हाँ तो चलते पे। अरे तो चलत बानी ना, तो चलता 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 यहाँ तक आ गया। आ गई लड़की, आ गई लड़की। बच्ची बच्ची बच्ची, जरा इसको कैमरे में आए, बोलिए ये भी है क्या? चुनाव थोड़ी लड़ रहे, वोटर है, वोटर आने वाले बताता है हमको, वोटर है। 16 साल बाद वोटर हो जाएगा। अरे जब हो जाएगा ना, तब तो कोई और भैया जी आएगा, कोई और आदमी आएंगे। रखे ऊपर वाला सलामत साहब का कहमत। अरे बाजी, ये लोग बहुत प्यार करता। तुम जैसा दिल देखा ना, तुम जैसा दिल देखा ना, खो जा सारा संसार, मिल जाए जब जहाँ भी हम, तुम वही मने त्योहार। हम आपको पहचानते टीवी में, आपको देख के आएंगे, आपका माँ का बॉस बहुत शौक से देखते हैं आपका कार्यक्रम, बहुत पसंद करते हैं आपको, पसंद करते हैं बहुत। और हमारे यहाँ एक नंबर पर हमारा नगर से जा रहा है। आपको ईर्ष्या हो रही है किससे? कि वो हमारा प्रोग्राम देखती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र, सच्चा मित्र। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। क्या बात है, एक सेल्फी ले लो इनके साथ। एक सेल्फी ले लो भाई, ले लो भाई सेल्फी। चलो सेल्फी मोमेंट हो जाए। पाजी पाजी, एक सेल्फी मोमेंट कर रहे हो जला फटाफट। अरे हे पाजी, क्या बात है। सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र, सच्चा मित्र। क्या बात है पाजी, आओ यार। भर भर मोहे, रोज रोज मोहचावे, मानवता का खाता मतलब सही सही समझावे, दोनों आन जुड़े एक धागे, नाम है जिसका प्यार, मिल जाए जब जहां भी हम, तुम वही मने त्योहार। सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र। भाजी क्या बात है, सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र। क्या कह रहे हो तुम? सात पसंद है, 101% नंबर मिलेगा। सात पसंद है ना भाई, ये मेरा, ये हल्के में मत लेना। आप बताइए मुर्गे के बारे में। मोदी सरकार होगा तो क्या सस्ता होगा क्या मुर्गा? हाँ। आपसे आप क्या घूम घूम के क्या कर रहे हैं, तुझे क्या पता? क्या नाम है आपका? तो लगे ओपी सिंह। होटल है मुझे का? बाबू साहब होटल डीप कॉन्टिनेंटल। बेकार की बातें, हवा दिन में तारे देख रहे हैं। हाँ, हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। अरे सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र, व्यापार तो बंद रहेंगे प्यारे। अरे रुको रुको रुको, चल रहे दो गुरु। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा से आया इंसान भाई से? जेलो गजब, 1 2 3 4 5 6 उधर दिखाओ, देखो 1 2 3 4 भाई गजब। गजब भाई, हुआ अंदर गले में देखो, अपने हाथ से ही देखो। मैं क्या देखूं यार, ये मासेब काला है, भगवती का देना है, सब भगवती की माया है, भगवती की माया है। चश्मा लगा के रहते हैं और क्या लगा कर उतारते नहीं है? अरे काहे को उतारे, सोते समय उतारते हैं, अंधेरे में कुछ दिखा करे। अच्छा जो अंधेरे है, अंधेरे में दिखता है, अंधेरे में दिखता है गुरुजी। अरे मजा आ गया गुरुजी, क्या नाम हो गया आपका? बम्बई का, बॉम्बे का। बॉम्बे के? हम वही कहे, आप कहीं यहाँ के लगे ही नहीं रहे। सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र, वो सच्चा मित्र, सच्चा मित्र। अरे खुशी का थैला भर भर मोहे। चोरई में आए हैं तो पहले मुंह मीठा कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पाजी बड़ा लंबा सफर है यहाँ उरई में। जी हाँ, ये गुलाब जामुन बड़े मशहूर हैं।
मैंने आपको वो शाहजहांपुर में वो मैगलगंज में भी खिलाए थे, यहाँ का भी, तो मैगलगंज से ज्यादा अच्छा है ये आपका उरई वाला। अजी ये बात है, मैगलगंज से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई ये। बात आदमी बहुत मीठा बोलता है, मैंने खा लिया है, अब देखते हैं मेरा आदमी कैसा बोलता है। आप शायर है क्या? जी। क्या नाम है आपका? शकीब रहमान का सिंह। अच्छा तो उसको सुनाइए। टूटे दिल भी मिल जाएंगे, टूटे दिल भी मिल जाएंगे, हाथ में लेकर हाथ चलो, हाथ में लेकर हाथ चलो, टूटे दिल भी मिल जाएंगे, हाथ में लेकर हाथ चलो, मोड़ तलक है एक सरस्ता, मोड़ तलक ही साथ चलो। अरे हाय क्या बात है, अरे भाई 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 फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। टूटे दिल भी मिल जाएंगे, हाथ में लेकर हाथ चलो, मोड़ तलक है एक सरस्ता, मोड़ तलक ही साथ चलो। और ये जो हालात हुए हैं, एक शेर और दे दें, क्योंकि पूरी पूरे देश में इस बात का उथल पुथल है कि नोटबंदी हाथ बांधे है, वो चाहकर भी तो क्या देंगे, नोटबंदी हाथ बांधे है वो चाहकर भी तो क्या देंगे, मगर बच्चे समझते हैं कि पापा चांद ला देंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम है आपका? शबीकुर रहमान कश्मीर। वाह साहब क्या, शबीकुर रहमान साहब ने शेर पढ़ा, ईमानदारी से कहे उरई ने तो दिल जीत लिया यार, क्या बात। कहता है कि भेड़ों की तरह हाँक दिए जाओगे, अरे पाजी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना है, अरे चले आओ पाजी, बस धीरे धीरे यूं ही चले आओ, भेड़ अपने रास्ते हैं और हमें हमें फैसला करना है पाजी। सच्चा मित्र, क्या नाम हो गया साहब आपका? मिर्जा साबिर बेग। हाँ मिर्जा साहब क्या है? अरे बस है क्या और होना क्या है, बस एक ही काम होना है। हाँ, है फिर से यूपी में अखिलेश का जादू छाने वाला, अखिलेश ही आने वाला, अखिलेश ही आने वाला। और क्यों आने वाला मैं ये भी बता दूं। हाँ, वो शहर हो या फिर गांव कोई, हाँ, है खूब विकास कराया, हाँ, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले ये अपना लक्ष्य बनाया, ये अपना लक्ष्य बनाया, वो जिसने मेट्रो रेल चलाई वो है साइकिल वाला, अखिलेश ही आने वाला। क्या कहते हैं आप? जी सर बिल्कुल शुक्रिया। आप ही ने लिखा है क्या वो जो? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप ही ने लिखा है? बिल्कुल सर बिल्कुल सर। दुआ कहीं मानेंगे लग रहा है। बिल्कुल पक्के। बोलो आगे और बोलो। साइकिल आएगी आएगी, साइकिल आएगी, हमें नहीं मालूम था उरई में मिलेंगे ये। साइकिल आएगी आएगी, साइकिल आएगी, आए हैं अखिलेश लेकर ये संदेश कि साइकिल फिर से आएगी, साइकिल आएगी आएगी, साइकिल आएगी, साइकिल आएगी आएगी। मैं जो हूँ जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश का महासचिव हूँ। मैं ऐसे समझा था मोहम्मद रफी इधर इधर किशोर कुमार है। अच्छा मिलवाए आपने ऐसे ही था बिल्कुल, जैसे ये मोहम्मद रफी है और हम है किशोर कुमार। ये कश्मीर साहब है, ये बहुत बड़े ये शायर है, यह बहुत बड़े शायर है। अच्छा शायरी लिख लेते हैं आप ऐसे हालात में? पाजी आज चलो देख ले, फिर इधर की तरफ मुंह करते हैं, इधर भी बहुत बढ़िया जबरदस्त वजनी लोग खड़े हैं पाजी पूरे शहर के। और यकीन मानिए पाजी, मैंने नहीं बुलाया इन्हें, ये सब आए हैं आपको देखकर। तो साहब क्या है शेर बताइए इरशाद? जो हालात चल रहे हैं, चार पंक्तियां ही काफी होंगी वैसे। चार तो पंक्तियां काफी होंगी, चार पंक्तियां। कमाल ये है, हाँ, ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है, ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है, हमारी सिर्फ तब उनका उनका, हमारी सिम का उनका झुकाव कैसा है। कमाल ये है कि खंजर जिन्होंने मारा था वही ये पूछ रहे हैं कि घाव कैसा है। क्या बात है बाजी, जल के लिए जा रहा है, ठाकुर जी का पूजा है, राम की स्मिता रामपुर तरफ से। अरे बोलिए क्या,
आप हमको देख रहे हैं तो हमने कहा कि पता नहीं काहे के लिए देख रहे हैं हमको ऐसे है? ठीक है पान वान खा लिए ना रच गया रच गया पान रच गया रच गया चुनाव भी रच गया चुनाव भी रच गया है चुनाव भी रच गया पान भी रच गया पपुड़िया में भी निकाल के इन्होंने बस अभी बंद किया है और चाय बस पीने की तैयारी है क्या नाम हो गया था संजय 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 जी कितनी दूर से चल के आप आए हैं चाय पीने लाल बंगले से लाल बंगले तो लाल बंग ओ लाल बंगला और ये तो ये 80 फीट रोड तो ये तो कम से कम फासला कितना हो गया जब भी निकलते हैं उस रोड से हाँ। चाय जरूर पीता हूँ जब भी निकलते हैं संजय भाई चाय जरूर इनकी पी के जाते हैं इनका नाम हो गया न्यू बनारसी टी स्टार जनाब ये कानपुर मैंने कहा था यहाँ पे पल पल में धोखे हो जाते हैं ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं कहाँ जा रहे थे हुजूर हम लोग एक काव्य गोष्ठी कवि सम्मेलन में जा रहे हैं देखिए ये कविता का क्षेत्र है जी हाँ बड़ी उर्वरा भूमि है यहाँ पे तमाम कवि होते हैं और अब आपको मैं कविता तो अब ऐसे तो ये जाने भी नहीं देंगे ये चाय पिलाएंगे और ये कविता सुनाएंगे ये पिलाएंगे मैं इनके पास आऊँ इससे पहले मेरे कुछ और लोग देख रहे हैं दूर से देख रहे हैं मुझे ताक रहे हैं मैं वहाँ भी जाऊँगा नौजवान है मैं उनके पास भी जाऊँगा फिर मैं कविता जी मैं बेहद कविता सुने नहीं जाऊँगा और जी बड़े लोग भी हैं जो मुझे बहुत दिनों से पहचानते हैं जब मैं यहाँ शहर में घूमता था तब अब मैं आप पूछेंगे मैं शहर के रहने वाले शहर में नहीं बताऊँगा मैं कहाँ का रहने वाला हूँ जी नौजवान है जी साहब कहाँ से आते हैं आप कितनी दूर से आते हैं चाय पीने यहाँ ईदगाह से ईदगाह ये ईदगाह कहाँ है बगल में आप कहाँ से रावतपुर हैं रावतपुर से इतना नाराज क्यों हो गए हमसे रावतपुर अरे देखिए ये मॉड्यूलेशन है ये शहर का मिजाज है अब कानपुर में और लखनऊ में जब आप पहुंचेंगे तो फर्क पता चल जाएगा कहाँ से आते हैं आप रावतपुर क्या बात है सलमान खान कैसे हैं आप जैसे होने चाहिए मिजाज बहुत अच्छा है गाड़ी भारी है नया वक्त है जी साहब तो मैं इधर चलता हूँ कवियों के पास और साहब पूरी उर्वरा भूमि तैयार है कविता तो मैं सुनूंगा ही सुनूंगा जी तो कहाँ कवि सम्मेलन गोष्ठी कहाँ है आज आपकी ये पनकी झाड़ी बाबा के पनाव पड़ाव पर हम सारे कवि लोग जा रहे हैं आपके वाजपेयी विवेक वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक काव्य संध्या का आयोजन हो रहा है वहाँ पर हाँ। वहाँ पर कुछ कविता चला सुनानी है लेकिन नजर रखते हुए मौसम की नजर रखते हुए शाम की आज बड़ी बात है कि आज आप यहाँ पे आए देखिए न्यू बनारसी लिखा है साहब और चाय की दुकान है चाय के माध्यम से बनारस के माध्यम से एक बात हम संसद तक पहुँचाना चाह रहे हैं आपके माध्यम से संसद ना भी कहते तो इशारा मैं समझ जाता देखिए हो क्या रहा है साहब कुछ पंक्तियाँ मैं आपको निवेदित करता हूँ निवेदित है साहब कि बढ़ई चालक धोबी टीचर खेतियर और किसान धड़ाधड़ देखिए जो नोटबंदी हुई उस पर मैं कहना चाहता हूँ साहब कि बढ़ई चालक धोबी टीचर खेतियर और किसान धड़ाधड़ रिक्शा इक्का मोटर गाड़ी मोची मिस्त्री राज तड़ापड़ नमक दवाई चूल्हा चकिया चाय समोसा गुजिया पापड़ मीठी गोली समझ के सारे खा बैठे झापड़ पर झापड़ मीठी गोली समझ के सारे खा बैठे झापड़ पर झापड़ कुल्फी वाला सन्नाटे में कुल्फी वाला सन्नाटे में कहाँ गए हैं सारे बच्चे शायद दिन आ गए हैं अच्छे शायद दिन आ गए हैं अच्छे शायद दिन आ गए हैं अच्छे शायद दिन आ गए शायद अच्छे दिन आ गए कवि हैं भाई इनसे थोड़ा देखिए साहब आज कितना बढ़िया हो गया ना दिन अच्छे आए ना आए चाय जरूर अच्छी आएगी यहाँ पर देखिए जो बात है क्या और पर्सनल कहना चाहूंगा कानपुर का रहने वाला हूँ और भाई दुर्भाग्य से बैंक में नौकरी कर रहा हूँ हाँ भाई साहब यूको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और इस वक्त आसाम में हूँ और छुट्टी पे आया हूँ और चाय पीने आया हूँ और इनकी एक चीज मैं बता सकता हूँ इतनी खुशी है चेहरे पे कि छुट्टी भी कानपुर भी कभी भी चाय भी क्या बात आदान प्रदान तो बैंकों के माध्यम से हुआ है तभी चेहरी खुशी पे ना ये इसलिए खुशी नहीं है साहब ये जानते हैं किस लिए खुशी है ये आपके जो चेहरे पे गम है ये इस बात का है कि आपके पास 2000 का नोट है और हमारे पास 100 के नोट है भाई साहब हम वीआईपी है ये जनाब कानपुर है कानपुर 2000 के नोट पे एक मुक्तक याद आ रहा है कि कल गुलाबी शरद का हुआ आगमन कल गुलाबी शरद का हुआ आगमन पर मनुज के चेहरे अंकित दिखा एक गुलाबी
नए नोट के जाल में एक गुलाबी नए नोट के जाल में सुबह से शाम तक तो वो चिंतित दिखा एक गुलाबी शरद का हुआ। आपका जवाब साहब क्या जवाब है? और लेकिन हाँ। मैं कहना यूं चाहूंगा साहब कि हड़कंप उठाकर संसद में दिग्पाल मचाए धमाल दियो, हड़कंप उठाकर संसद में दिग्पाल मचाए धमाल दियो, और पतवार बिना ही नावन को जल कुंभन बीच उछाल दियो। बैंक वालों को मजबूत करते पहले आप, पतवार बिना ही नावन को जल कुंभन बीच उछाल दियो, कर नंग धड़ंग अखाड़न में फिर आसुन है तू रुमाल दियो। हाय ओ नमो घर वालिन को कई साल को माल निकाल लियो। हाय ओ नमो देश मेरा रंग रेस ये बाबू काट काट यहाँ घटता जादू। कानपुर की स्थितियाँ क्या है? हाँ। कि पेट भले खाली है, हाँ। ख्यालों में शाही पुलाव, हाँ। पेट भले खाली है, हाँ। ख्यालों में शाही पुलाव फाका मस्त मौज है सितार झनझना गए, हाँ। पेट भले खाली है, ख्यालों में शाही पुलाव फाका मस्त मौज है सितार झनझना गए, एटीएम खाली हुए बैंकों में रेलम पेल, कैसा है जुनून सारे गम झुठला गए। तो सामने दीवार पर पोस्टर चिपके हैं, पोस्टरों में दिखा देश होंठ फड़फड़ा गए, और ठेके के किनारे किसी बेंच के सहारे वो झूम कर गा रहा है अच्छे दिन आ गए। क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, दिल की बात कह दी, बिल्कुल दिल की बात कह दी, कभी यही होता है, दिल की बात कहता है कभी। मैं यूं कहना, हाँ 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 जी 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 जी, देश का नियंता, हाँ, अपने के अपने तुगलकी फरमानों पर अड़ा है। अच्छा, देखिए जनाब अच्छे दिन आ गए, पूरा देश लाइन में खड़ा है। ऐसे युवाओं के लिए दो लाइनें, हाँ, युवाओं की शिराओं में फड़कता रक्त बोलेगा, युवाओं की शिराओं में फड़कता रक्त बोलेगा, बदल भारत रहा मेरा आज ये वक्त बोलेगा। और आगे क्या है, जवानी को बहुत भाया बड़ा ये फैसला उनका, और जवानी को बहुत भाया बड़ा ये फैसला उनका, और कोठियों में बैठा क्या मौका परस्त बोलेगा। दूसरा आदमी ये सोच रहा है सामने वाला परेशान है, सामने वाला परेशान है, इसी में सब खुश हैं। अच्छा। परेशान तो सब हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि मालिक परेशान है, मालिक को लगता है नौकर की वाट लग गई, उसको लगता है वो परेशान, बस दूसरे की परेशानी में खुश है। कैशलेस वाला मामला चल रहा है, हाँ। चार पंक्तियां और सुन ले, कि गूंजा गूंजा नमो राग, हाँ। दिल हुआ बाग बाग, हाँ। सपनों को लगे पंख, हाँ। कितना सुखद मेल है, खूब जमी धाक, देख नियत इरादे पाक, हाँ। बिगड़ैल शातिरों के डाल दी नकेल है, तो सारा कुछ ठीक था, हाँ। अचानक परत खुली, हाँ। और समझ ना आया ये कैसा घालमेल है, हाँ। और रेड्डी के रेड्डी को कहां से मिले 500 करोड़ नए, हाँ। और पेटीएम सिर्फ 2.5% का खेल है। मुदस्सर है, मुदस्सर, अरे मुदस्सर, ये अखिलेश यादव की देन है, ये अखिलेश यादव की देन है। क्या क्या फिर से बोलो? ये अखिलेश यादव की देन है। तो हंसते रहते हो क्या? हाँ हंसते रहते हैं। अखिलेश यादव की देन है भाई। बिल्कुल ऐसे ही, गजब है। डोंट चिंता नॉट बुजिर, डोंट चिंता नॉट बुजिर, आई कुछ ही बुजिर, अखिलेश यादव।
विकास हो रहा है यहाँ, अखिलेश का विकास हो रहा है। अखिलेश का विकास, गजब। कौन सी जगह है ये भाई? ये चौरा कचहरी टोला। कचहरी टोला, ये गजब हंसते है भाई। ये विकास कन्नौज में इतना हुआ है, हर आदमी के चेहरे पे यही खुशहाली है। ये बात रियल है, रियल है, रियल है। इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ, कन्नौज बदल गया। कन्नौज बदल गया, बिजली पड़ रही है, अंडरग्राउंड बिजली पड़ रही है। खम्बे हमें कुछ नहीं दिखेंगे यहाँ, कुछ दिखेंगे नहीं यहाँ पे, कुछ दिखेंगे नहीं। सब अंडरग्राउंड, सब अंडरग्राउंड, डबल मीनिंग नहीं, डबल मीनिंग नहीं, डबल मीनिंग नहीं। सब विकास, सब सब टोटल विकास। अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया है, उसकी देने आज हम हंस रहे हैं। कैसे? गजब भाई। खिलिया बहुत तरी सरदारी रे, अब तो हमरी बारी रे ना। मुल्ला पंडित थानेदार, ये सब पक्के मेरे यार। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। जब मैं लीडर बनता हूँ, ऐसा जाल बिछाता हूँ, सबको चक्कर में लाता हूँ। फिर मन की मुरादे पाता हूँ, मन की मुरादे पाता हूँ। जिसको दे दूंगा नोट, जिसको दे दूंगा नोट, तब कहीं ना जाएगा और। क्या बात है, है। ये कानपुर शहर है, यहाँ पे मक्खन भी बहुत आराम से और हर चौराहे पे तमाम मिलता है। महंगाई की महामारी ने हमारा खट्टा मिटा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। क्या मिल गया मोदी, नोट बंद करा के, अरमान की नगरी में मेरी आग लगा के। अरमान की नगरी में मेरी आग लगा के। क्या मिल गया मोदी, नोट बंद करा के, जो कुछ जमा किया था वो सब कुछ चला गया। जो कुछ जमा किया था वो सब कुछ चला गया, घर घर में आग लगा के। क्या बात है, नाम बता दो। क्या नाम हो गया जनाब? मुन्ना मिस्त्री कहते हैं। मुन्ना मिस्त्री कहते हैं कानपुर में। ये साहब आज सुबह सुबह की चाय जो हो रही थी, उसमें मुन्ना मिस्त्री जी ने अपने रंग जोड़। ये वृंदावन की गलियां हैं, चले आइए, चले आइए। क्या बात है, जो मोदी जी का भी मोदी जी है। मोदी जी का भी मोदी जी, मोदी जी है, उसकी नगरी में हूँ मैं। क्या बात है, मोदी जी के भी मोदी जी के नगरी। क्या बात है हुजूर। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, होले होले गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। सरकार किसकी बन रही है? हाँ हाँ हाँ, अब किसके बताएं? देखो बड़ा सवाल था। आकन वाली चल चपीली भाई, बैठन वाला ना भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। नेता भी कई तरह के, नेता भी कई तरह के होते हैं। अच्छा, पक्का और कच्चा? पक्का और कच्चा। ना बिलक बिलक कर तेरी यारों में बिछड़ गई है मेरी जोड़ी, चढ़ गई है मेरी जोड़ी। और कहे कबीर भाई सुन बसा तू, जिन जोड़ी उन तोड़ी भैया। पके हुए नेता है, बिल्कुल पके हुए नेता। राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी। नमस्ते, नमस्ते साहब, नमस्ते। कहते हैं कि मथुरा में पेड़ा नहीं खाया तो बेकार है। बात तो सही है आपकी, मथुरा में पेड़ा नहीं खाया वो बेकार है, जैसे खाया वो बेकार है।
जिसने खाया वो भी बेकार है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी का पेड़ा मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ। क्वालिटी का पेड़ा नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो ये दुकान बताया कि क्वालिटी का पेड़ा है। हाँ, तो आपको क्वालिटी का पेड़ा खिलाता हूँ मैं आपको। तो पेड़ा भी क्या कई तरह के होते हैं? हाँ जी, पेड़ा कई तरह, एक पक्का पेड़ा होता है, कच्चा पेड़ा होता है। पेड़ा भी दो तरह के होते हैं, नेता एक ही तरह का होता है। नेता भी कई तरह के, नेता भी कई तरह के होते हैं। अच्छा, पक्का कच्चा? पक्का और कच्चा। अच्छा, वो तो बाद में हम पहचान करेंगे, आप काबिल हो गए, पता कर लेते हो, लेकिन मैं पेड़े की पहचान करता हूँ। पक्का पेड़ा और कच्चा पेड़ा कैसा होता है? पक्का पेड़ा होता है जो चासी में भुंजा हुआ पेड़ा होता है मामा। हाँ, उसको हाँ, पक्का पेड़ा बोलते हैं, महीने भर तक खराब नहीं होता है। क्या नाम हो गया आपका? काशीनाथ चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, अगर मथुरा में पेड़ा मशहूर है तो चतुर्वेदी भी पूरे दुनिया भर में मशहूर है। चतुर्वेदी भी यहाँ के चौबे मथुरा के चौबे बहुत मशहूर है सर। खाते हैं तो इतना कि सब पछाड़ दें। शेर से फेर उसका कर्म में फेर, एक किलो मिठाई कम से कम चाहिए। अगर इससे नीचे खाते हैं तो उसका भाग में डाउन है, उसका भाग। अगर एक किलो से ऊपर खाता है तो वो चतुर्वेदी है। क्या बात है, नंबर वन। और नेता? नेता नंगा और नारी, इनसे दुनिया हारी, इन लोगों का कोई चर्चा नहीं है यहाँ मथुरा में। नहीं, यहाँ तो सब चक, भगवान कृष्ण की नगरी है, चका चक है। यहाँ कोई नेता और नंगा है? जो नंगे लोग होते हैं और है? नारी, इन तीनों से वैराग्य है, वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य। रात हो या दिन हो, बंदर तो 24 घंटे परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? चश्मा ले जाएंगे, पर्स ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं। अभी छोड़ते किसे? फ्रूटी देके है? फ्रूटी पीते हैं यहाँ के बंदर। बंदर क्या पीते हैं? फ्रूटी, फ्रूटी बंदर फ्रूटी पीते हैं, फिर चश्मा देते हैं। फिर चश्मा देते हैं क्यों? बिल्कुल बराबर हिसाब किताब करते हैं, आप चश्मा लोगे वो फ्रूटी ले लेंगे। तो बड़े समझदार है बंदर यहाँ। और नेता? पढ़े लिखे हैं, समझदार, पढ़े लिखे। और नेता? नेता तो और ही ज्यादा पढ़े लिखे। क्या लेते हैं फिर वो, कैसे देते हैं? ये तो मैं नहीं कहता। ए नेता जी, हल्के गाड़ी हाको, मेरे नाम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाको, मेरे नाम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको। और इस चाय में खासियत क्या है? चाय में खासियत है, गोल्डन चाय बनाई जाती है ये, बढ़िया वाली गोल्डन चाय बनाई जाती है। चाय है, इलायची डाल दी जाती है इसमें, सभी चीज डाली जाती है इसमें। तो यहाँ पे कवि भी आते हैं, नेता भी आते हैं, कविता सुनने वाले भी आते हैं। देखिए, मैं अनिल भोरे हूँ, मैं तो इतना ही कहूंगा कि चाय चाय के नाम पर धोखे का खोखा होता है। चाय चाय के नाम पर धोखे का खोखा होता है, दूध चीनी सबका योग होता है, पर आती है चलनी रानी, चाय को दिखाती है नाली की कहानी, पर हाय हाय फिर भी इसका नाम मोदी की चाय। साहब, आपका आपका तारुफ क्या हो गया? सही बात है, मेरा कहना ये है। अच्छा, कहना क्या, तारुफ तो बताओ। मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रज की चाय, ब्रज की चाय और ब्रज की चाह दोनों जो है ब्लड प्रेशर बहुत कम करती है। अच्छा अच्छा, तो पेशे से आप डॉक्टर हैं क्या? चक्कर समय चक्कर घंटाघर पर चढ़ा है, नाम चलने वाला पर बेचारा बंद पड़ा है, जैसा घंटाघर वैसे नेता। दोहा सुना रहा हूँ आपको, सुना दीजिए दोहा। अफरा तफरी मच गई बैंकन ठेल मठेल, अब चुनाव बतलाएगा मोदी पास कफे, मोदी पास कफे। अब सर का ध्यान रख के फूल पत्र बदल रहे, गिरगिट नहीं है लेकिन फूल रंगत बदल रहे। तो कविता लिखते हैं आप? और मैं समझ गया, देखिए जैसे ही इन्होंने कहा विकट, मैं समझ, अब ये तो इनको सुनाना ही था, जब इन्होंने बोल दिया तो सुनाना ही था। हींग खिला के कविता सुनाएंगे जी। निष्पक्ष सुनो, निष्पक्ष होकर सुनाइए, जो मन हो वो सुनाइए। तेरे नोटों के चक्कर में किसी की जान जाती है। अरे क्या बात है, और नोट गर ना मिले हमको तो ये मुस्कान जाती है। क्या बात है, क्या दर्द है अंदर से है? देश लगता कतारों में तुझे क्या फर्क पड़ता है? देश लगता कतारों में तुझे क्या फर्क पड़ता है? और ये सभी जनता हाँ। कोई कह देता जैसे भी ये जनता मान जाती है। क्या बात है, कुमार विश्वास जी सुन रहे हो तो देखिए, हाथरस एक बार आना पड़ेगा उनको भी, बट्टी लेने हींग वाली। कोई न जात उनकी, उनकी कोई न पात उनकी।
किसानों की ये मुस्कान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा, मजदूर किसानों की ये मुस्कान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा। तूफानों से कहती है ये दरिया की रवानी, दरिया की रवानी, तूफानों से कहती है ये दरिया की रवानी, दरिया की रवानी, अखिलेश जिधर होगा उधर होगी जवानी, उधर होगी जवानी, हर नौजवान और दिल का जिगर जान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा, हर नौजवान का दिल ये जिगर जान बनेगा, अखिलेश मेरे देश की पहचान बनेगा। उनके लिए लिखा था आपने धरती पुत्र मुलायम सिंह, उनका भी एक गीत सुनाऊंगा आपको। हाँ, हाँ, सुनाइए। उनका सुनाता हूँ आपको। दो दो बंद सुनाइए, एक बंद सुनाइए। एक बंद सुनाता हूँ। इंसाफ है तेरा मिसल जहांगीर मुलायम, बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम, सच्चा बोलेगा सच्चा सच्चा पता लगा लो शहर के अंदर हर व्यापारी मजदूरों से, व्यापारी मजदूरों से, व्यापारी मजदूरों से, जो भी मिलेगा आपको वो भी अच्छा अच्छा बोलेगा बच्चा बच्चा बोले। अरे हाँ, समझ में आया, दरबार में कभी क्यों हुआ करते थे।